मई पहला है ना वो उत्साह मई है, जब साधक पहले मंदिर में आता है, साधक जब पहले मंदिर में आता है तो उत्साह को लेकर आता है, और जिस उत्साह से साधन वर्धन करता है, अगर वो उत्साह लास्ट तक रह जाए ना, उसी जीवन में उसको भगवत करता है, मतलब एक जीवन में उसको भगवत करता है। पहले सभी अपना जीवन में देखो, जब पहले भक्ति में आते ही उनमें उत्साह रहता है, एक माला बोले तो दस माला करते, एक सेवा करते दस सेवा करें, कोई एक भक्ति का बल हो इतना इतना क्यों नहीं करें, जितना उत्साह साधो का रहता है, आज जितने उत्साह रहता है पहले पहले जैसे रघुनाथ दास इतना हर नाम करते हैं, हम तो नहीं कर सकते पास एक लाख करना, बोले रघुनाथ दास को स्वाम कैसे खाते थे, बोले चूल भर मठास पी करके मैं तो नहीं कर सकता, कभी चूल भर मठा पी करके दिन रात, बोले कभी चाना कभी वो भी माना, कभी चाना खा लेते थे कभी वो भी नहीं खाते थे, जब मैं नहीं कर सकता। ये लोग क्या करते हैं, जब सब बैठ कर फुर्सत पाते नहीं पाएंगे उस समय नहीं पाएंगे, जब सब लोग चले जाएंगे ना, डस्टबिन में कहते ना जैसे झाड़ू विप्रता कृष्णदास, जब वैष्णव ने प्रसाद पाकर फेंक दिया उसको उठा उठा करके आम का फुली चाट चाट कर खाए, बोले वैष्णव बाबा आराम करता है, इसलिए वो भी ऐसे करना शुरू करते, जब फेंक देते ना प्रसाद को पास उसको ही खा करके भजन करते हैं, हाँ भजन करेंगी, और पूरा नियमित करके वैष्णव का सेवा करना, मंदिर साफ करना, सब वैष्णव का कपड़ा धो देना, प्रसाद पाने से पहले सभी के लिए बिस्तरा चटाई बिछा देना, पत्तल लगाना, सब वैष्णव का थाला लेकर के वहाँ से प्रसाद पाना, सभी का थाला, जब जब जैसे जो सुनता है ना, जैसे सुनता है सबका जीवन में आ जाता है, सबका जीवन में आता है, जैसे सुनता है ठीक वैसे करने के लिए कोशिश करता है, पूरा के पूरा वैसे, जैसे दूसरे रघुनाथ दास दूसरे रघुनाथ दास उसको अंदर में उत्साह इतना, मेरा जीवन में तो ऐसा है, कुछ भी छोटा है नाम करना सेवा करना, और मैं तो सोच नहीं सकता, मैं बहुत सेवा करता था, पहले मैं रात भर नहीं सोता था, रात भर नहीं सो करके एकादशी आए तो रात भर सोता पूरा कोशिश करता, एक लाख है नाम करते थे रात भर नहीं सो करके, फिर रात में हरकिन लगा करके श्लोक को याद करना, दिन भर का समय इतना सेवा सुन लिया थे जैव धर्म में, मैंने बोले नाम अपराध कह जाएगा, मैं बेच जाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो व्यक्ति 24 घंटा हरि नाम करेगा तभी नाम अपराध जा सकता, बात सुनकर हाथ में सेवा तीन बार हरे कृष्ण जोर जोर से कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम, अगर वो जो पहले जो पहले जो उत्साह सभी देखना, सभी का जीवन में देखना, अगर पहले जो उत्साह साथ हम आए लेकर के आए, अगर वो लास्ट तक पूर्ति कर, अगर लास्ट तक रह जाए ना इस जीवन में, जैसे जैसे नहीं सोने से पहले क्या करनी चाहिए, आज सवेरे हम कितने बजे उठे और 24 घंटा का दर्द कितना समय हमने भजन किया, कितने समय हमारे समय बर्बाद किया इधर उधर से, फिर दूसरे दिन उसको चेक करें, चेक करके जितना समय हमारे बर्बाद गया फिर चेक कर, नहीं आज कल ऐसे ऐसे बात करते करते हमारे समय नष्ट हो गया था, आज हम पूरा इसको चेक करेंगे जैसे समय नष्ट नहीं हो, पूरा जैसे सुनते हैं ना एकदम वैसे करना सुनते हैं, और गुरु जी कहते थे अगर कैसे अगर निष्ठा पहले जो भाव साथ में आए थे हैं, इसलिए उसके बाद में घन तरल, फिर जो घन था अगार था फिर धीरे 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 तरल होना शुरू, नाम किया अगर हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद में फिर वो नहीं हो पाता, शरीर शरीर है ना सोएगा नहीं, ये नहीं करेगा इसलिए सोएंगे नहीं, पूरा रघुनाथ दास को स्वामी से नहीं सोते, कभी हैं एक दंड सो जाते हैं उसको अंदर में भी राधा कृष्ण का सुंदर देखते हैं, इसलिए हम कई सब, लेकिन शरीर तो शरीर है ना, कुछ दिन बाद में सर शरीर जल नहीं, फिर शरीर बीमारी पड़ जाता है, शरीर बीमारी पड़ जाता है, प्रेमानंद की बात करें, प्रेमानंद की बात
पूरा दूसरे रघुनाथ दास मंदिर में आकर आप भजन करेंगे मंदिर बाद में शरीर हो गया खराब, दूसरा भी जल चुका है शरीर हो गया खराब, खराब हो गया तो उसका कौन मंदिर में देखा भजन करने के लिए, ज़्यादा खराब हो गया तो फिर घर में खबर दिया कि तुम्हारे बेटा का शरीर खराब हो गया, ऐसे आ करके परिवार वाले पूछा शरीर खराब हो गया घर में शरीर सही कर गया, बेटा ही देखो मैं घर में नहीं भूलता हमको घर से बाहर भी है क्या बना देना तो कोई बात नहीं मान ली या घर से बना दूंगा घर से बाहर जो हमारा जो बगीचा में वहीं पर रहना था ठीक है, जब वहाँ पर गए वहीं पर रहे दूसरी बात में भैया अलग बना कर खिलाते थे दाल चावल आलू से तो बना के खिला दे, उतने बाद में मैया कहते मेरे से इतना नहीं होता पूरा घर के लिए बनना तुम्हारा जो हमसे नहीं होगा, बोले ठीक है लेकिन घर में तो मांस मछली बनता है मांस मछली बनता है, इन्हें बोले तुम्हारे लिए इतना अलग नहीं बना सकता जो बनता है उसको घर खाना पड़ेगा, बोले एक काम करना जो झोल झोल दे देना और मांस मांस दे देना जो झोल होगा ना तो दे देना और मछली देना तो कोई बात नहीं, और उसने पहले से वही खाना पड़ा उसके बाद में जब भैया दे रही थी अचानक एक पाँच का टुकड़ा आ गया, जब दे रही थी बोले अरे पाँच का टुकड़ा आ गया उसको निकाल दो झोल दो, बोले जो आ रहे हैं उसको मना क्यों कर रहे हो, जो आ रहे हैं उसको भी दे दो ना मना क्यों कर रहे हैं, उसके बाद बोलते थे ऐसे करते करते कर धीरे 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 जाकर क्या होता है पूरा जाकर गोल संसार है गोल संसार में प्रवेश कर जाते, मेरे गुरु जी कहते थे जो निष्ठा लेकर के आए अगर उसको एक आना कहते पूरा निष्ठा अगर रह जाएगी तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन अगर एक आना अगर उसका निष्ठा रह जाए जो निष्ठा को लेकर के आए थे सारा जीवन तुम्हारी भगवत सेवा मतलब एक जीवन तुम्हारी मतमंदिर वास्तव जो निष्ठा को लेकर के पहले आए थे अगर वो रह गया ना तो बोले एक आना अगर रह गए बोले तुम्हारी जीवन बटवास साधु जीवन हमारी बटवास वो पहले तो रहता है नहीं इसलिए सुना तो क्यों किया पहले जो निष्ठा लेकर आते हैं फिर उसके बाद घर तरला विशेष अंदर शादी करके भजन कर शादी करें क्या भजन नहीं होता रघुनाथ जी हमारे अमरीश महाराज क्या नहीं किया तो महाराज प्रहलाद महाराज ने क्या नहीं किया शादी करें भजन इसलिए घर में जाकर शादी करें भजन कर विशेष अंदर विषय के साथ लड़ाई माया जीत जाती है ये जीत जाती है उसने कहते नहीं शास्त्र ने बताया भैया जो संसार है ना अंधा कुएं के बराबर है ऊपर में दिखता है ना हरी हरी घास दिखती है लेकिन उसको नीचे कुआ है अगर एक बार अगर वो पील में घुस गए ना पैर हो गया तुम्हारी काम हो गया वो पील ऐसे पील है जिस एक बार घुस गया से निकलने का रास्ता नहीं मिलता फिर आपस आपस में लड़ाई शुरू कर देते भजन होना लड़ाई शुरू कर शुरू मन मन में घर में जाकर भजन करें ना मंदिर में जाकर भजन करें लेकिन ये सब चीज़ उन्होंने क्यों दिया कारण है एक साधक का जीवन में आएगा है लेकिन इसके लिए व्यतिवस्त नहीं होना मतलब यही है कि जीवन में आएगा लेकिन आने पर क्या होगा लास्ट में जाकर के एक स्थिति में खड़े होते ये सब चीज़ सभी का साधक आएगा लेकिन इसीलिए कहते हैं कोई मन को खराब करने का कोई ज़रूरत नहीं ये आएगा जीवन में लेकिन लास्ट में जाकर के ऐसे करते 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 जाकर ऐसे रुक जाता है फिर उसका जीवन भजन इसका मतलब यही इसलिए इसके लिए ज़्यादा चिंता की कोई बात नहीं लेकिन भजन करते रहो हरिनाम करते रहो लास्ट में भजन हो जाएगा इसलिए सब चीज़ को विश्वनाथ को